बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बोलिए महामाता महादेव की जय। श्री महाभारत महापुराण की जय। स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। Thank you.
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन Yeah.
किसी भी अवस्था में रहे, कहीं भी रहे, नाम जपते रहे और ये नाम संकीर्तन जिस प्रकार एक बिजली एक बल्ब को रोशन कर देती है, उसी प्रकार ये नाम संकीर्तन भी हमारी आत्मा को रोशन कर देता है। इसलिए जब भी कभी नाम संकीर्तन हो उसे आनंद के साथ करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्तम श्रवण करवाया और किस प्रकार नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए, ये भी सुखदेव जी ने बताया।
किंतु आज इस कलयुग में बस केवल एक नाम का आश्रय, ये भी सुखदेव जी के द्वारा ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी रचना श्री वेद व्यास जी ने की, जिसमें 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, उन सब के बारे में राजा परीक्षित को बताया और कहा कि यदि तुमने 7 दिन मन को एकाग्र करके इस कथा को श्रवण किया तो परीक्षित अवश्य ही तुम्हें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। और उधर राजा परीक्षित भी बड़े प्रसन्नचित्त से सुखदेव जी की शरण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये संसार जिसमें जो भी आया पिस कर चला गया। तो कबीर दास जी ने बहुत सुंदर दोहा कहा कि चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोए। ये संसार जो चक्की के दो पाट के समान है और इस संसार में जो भी मनुष्य आ गया और यदि उसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं किया, बस केवल संसार के विषय भोगों को भोगा, तो याद रखना वो दोनों पाट एक दिन पीस कर हमें यमलोक पहुंचा देंगे। किंतु यदि हमने इस जीवन में गुरुदेव की कृपा से परमात्मा के नाम को जान लिया, गुरु कौन, क्योंकि जो हमारे जीवन में परमात्मा के नाम का प्रकाश कर दे उन्हें गुरु सद्गुरु कहते हैं। और सद्गुरु जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि सद्गुरु ही ऐसा मार्ग बताते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं जिसे हम जप कर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि गुरु जिसमें दो शब्द हैं गू और रूह, तो गू का अर्थ गहरा अंधकार और रूह का मतलब प्रकाश। जो गहरे अंधकार में प्रकाश कर दे उसे गुरु कहते हैं, और जो हमें साक्षात उस प्रकाश को करके हमारी अंतरात्मा में हमारी चेतना में परमात्मा का आभास करवा दे उन्हें सद्गुरु कहते हैं। तो हमारे जीवन में सद्गुरु का होना आवश्यक है, और जरूरी नहीं कि सद्गुरु कोई बहुत बड़ी उम्र के हों। एक दिन किसी ने ऐसे ही कहा कि ये तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, इसे गुरु बनाएंगे तो ये तो अभी स्वयं छोटे हैं। मगर याद रखना कि आपके उम्र में भले ही कोई भी छोटा है, किंतु वो जन्म जन्मांतर की यात्रा में कितनी आगे है, हमेशा इस बात पर विश्वास रखना कि भले ही कोई भी हमसे आयु में छोटा हो, किंतु उसके गुण, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा, ना जाने जन्म जन्मांतर की यात्राओं में वो कितना आगे है। तो हमेशा सद्गुरु जिसे भी बनाओ, बस केवल यही भाव रखते हुए कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सद्गुरुदेव जिनके लिए जिसे देखकर आपके मन में आनंद आ जाए, जिसे देखकर आपका मन परमात्मा को याद करने लग जाए और जिसे देखकर आपकी वाणी स्वयं परमात्मा का नाम लेने लग जाए, समझना वही व्यक्ति आपके जीवन में गुरु बनने के योग्य है। क्योंकि गुरु जो होते हैं सद्गुरुदेव महाराज बस केवल आपसे इतना चाहते हैं कि जो उन्होंने दिया वही आप उन्हें दे दो, और जो धन दौलत के लालची होते हैं वो सद्गुरु नहीं होते। बस गुरु तो वो है कि गुरु ने जो मंत्र दिया तो कहा अपने शिष्य से कि जो मंत्र मैंने तुझे दिया है उसे ही ज्यादा से ज्यादा जप, और वही जप मुझे वापस मिल जाए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। किंतु आज के गुरु ऐसा नहीं, आज के गुरु तो बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, बड़ी बड़ी मांग करते हैं। इसलिए ग्रंथों में भी कहा कि लालची गुरु लोभी चेला, हो रही नरक में ठेलम ठेला। कि आजकल गुरु भी लालची हैं और चेलों को भी गुरु से परमात्मा के नाम का कोई काम नहीं, बस कि हमारे काम बन जाएं।
यही शिष्यों की भी मनोकामना रहती है। इसलिए कहा जाता है कि लालची गुरु लोभी चेला और हो रही नरक में ठेलम ठेला, कि ना तो उसका अपना उद्धार होगा और ना शिष्य का उद्धार होगा। इसलिए ध्यान रखो कि जो आपसे केवल परमात्मा का नाम चाहे वही सदगुरु है, वही आपके गुरु हैं और वही आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे। वैसे तो इस संदर्भ पे जितनी मर्जी हम बात करें वो थोड़ी रह जाएगी, किंतु हमें समय को देखते हुए हर बात को कम शब्दों में चेष्टा करते हैं कि आपको समझाएं, और यदि आपको भी समझ आ जाती है तो इसी को गागर में सागर को भरना कहते हैं। जय हो मैया की ये बहुत बड़ी खासियत है, ध्यान से कथा श्रवण करती हैं और जब राधे राधे बोलना होता है सबसे पहले बोलती हैं। तो ऐसा भक्त यदि कथा में बैठ जाए तो कहने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी। जरा एक बार आप भी जोर से जय हो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्तम को जाना और उनसे जुड़ी अन्य बातों को, नियमों को जाना, तो अब बताओ तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। परीक्षित बोले कि महाराज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो सुखदेव जी बहुत सुंदर कथा राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार समस्त देवताओं और दैत्यों की एक सभा है और उस सभा का प्रतिनिधि राजा दक्ष है। उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, अन्य देव सब पधारे, बड़े बड़े दैत्य शुक्राचार्य आदि भी पधारे और सब अपने अपने आसन पर विराजमान है, और उसी सभा में स्वयं महादेव भी अपने आसन पर विराजमान है। उधर महादेव भोले भंडारी जो बहुत भोले हैं, और यदि उनका भोलापन काम आ जाए तो समझो जीवन ही बदल जाए। तो महादेव भी अपने आसन पर विराजमान हैं और उधर उस सभा का प्रतिनिधि राजा दक्ष, जिसकी पुत्री का विवाह, सती का विवाह महादेव से हुआ है, किंतु महादेव जो अपने आनंद में लीन रहते हैं, जैसे ही उस सभा में राजा दक्ष ने प्रवेश किया तो राजा दक्ष को देखकर समस्त देवता, समस्त दैत्य, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अपने आसन से खड़े होकर राजा दक्ष को नमस्कार करते हैं, किंतु महादेव राजा दक्ष को देखने के बाद भी अपने स्थान से नहीं खड़े हुए और ना उन्होंने राजा दक्ष को नमस्कार किया, जिसे देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और वो बोला कि ये शिव, ये महादेव शमशानवासी, इसे क्या पता कि सभा की क्या मर्यादा होती है, इसे सभा में किसने बुलाया और इसने मुझे देखकर ना संबोधित किया, ना नमस्कार किया, ना अपने आसन से खड़ा हुआ, तो मैं इसके इस दुराचार से, इसके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं, मैं आज शंकर जी को, महादेव को श्राप देता हूं कि आज से पृथ्वी लोक पर कोई भी यज्ञ होगा उसमें तुम्हारे नाम की आहुति नहीं होगी। इतना सुनते ही भगवान के पार्षदों को क्रोध आया, किंतु महादेव ने इशारों ही इशारों में अपने पार्षदों को शांत कर दिया। कथा तो विस्तार से है, किंतु यदि हर कथा को हम विस्तार से सुनाएंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो महादेव ने अपने पार्षदों को शांत किया और सभा प्रारंभ हुई। उसके बाद महादेव और अन्य देवी देवता, दैत्य सब अपने अपने लोक को लौट गए और एक दिन राजा दक्ष ने अपने गुरुदेव को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, ऐसा यज्ञ कि जो बहुत सुंदर हो, बहुत विशाल हो, जिसमें समस्त देवी देवता, समस्त दैत्यगण सब आए, तो मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं। और गुरुदेव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने अपने राज्य में उस यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा दक्ष ने
उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, किंतु अपनी पुत्री सती जो महादेव की पत्नी है उन्हें आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि राजा दक्ष महादेव से द्वेष करते हैं, और महादेव से द्वेष करते करते उन्हें अपनी पुत्री सती भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सती ने अपनी हठ से महादेव से विवाह किया। अब एक और तो राजा दक्ष की यज्ञशाला में वो यज्ञ का शुभ दिन आया और बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि सब राजा दक्ष की यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय कैलाश पर बैठी सती ने भी देखा कि न जाने आज आकाश मार्ग से सभी देवता देखते ऋषि मुनि कहाँ जा रहे हैं। सती देखकर आश्चर्यचकित होती है। इतने में नारद जी, जिन्हें पता है कि राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया, तो उधर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंच गए और देखा कि सती अकेली बैठी है। नारद जी बोले कि माता सती, अभी तक आप तो तैयार भी नहीं हुई। किंतु सती बोली कि नारद जी एक बात बताओ, मैं बहुत देर से देख रही हूं कि आकाश मार्ग से देव लोकों से देवता पृथ्वी की ओर जा रहे हैं, तो आज पृथ्वी पर क्या है। नारद जी बोले, अरे सती आपको नहीं पता। सती माता बोली कि ना, अरे आपके पिता राजा दक्ष अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई। सती ने जैसे ही नारद जी के मुख से अपने पिता को यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने की बात को सती ने सुना तो सती हैरान हो गई, किंतु उसने नारद जी के सामने इस बात को नहीं जताया कि उसे नहीं पता। अब सती माता बोली कि हाँ हाँ नारद जी, मैं तो भूल गई, मुझे तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना था, आप भी जाओ और मैं भी शीघ्र तैयार होकर पहुंचती हूँ। किंतु सती के मन में इस बात का खेद है कि इतना बड़ा यज्ञ मेरे पिता कर रहे हैं किंतु मुझे नहीं बुलाया, और पुत्री जो अपने पिता से प्रेम करती है, और एक पुत्री ही ऐसी होती है जो अपने पिता से इतना प्रेम करती है, और उसी प्रेम में आज माता सती भी बोली कि मेरे पिता राजा दक्ष इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है इतने कामों में वो मुझे बुलाना भूल गए हों, किंतु मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है कि मैं उनके यहाँ यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। सती जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उधर महादेव आए, महादेव ने देखा कि सती तैयार है, तो महादेव मुस्कुराए और बोले कि सती आज क्या है जो तुमने इतने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे हैं। माता सती बोली कि महादेव, मेरे पिता राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और चलो आप भी तैयार हो जाओ, हमें उस यज्ञ में जाना है। किंतु महादेव बोले कि सती एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिता का तुम्हें आमंत्रण आया। अब जैसे ही महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें आमंत्रण भिजवाया, तुम्हें आमंत्रित किया, तो सती बोली अरे वो मेरे पिता हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या पता भूल गए हो, किंतु हमारा तो धर्म है, हमारा फर्ज है। किंतु महादेव बोले कि ना सती ना, देख मैं तुम्हें कह देता हूं कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाना भूले नहीं, बल्कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। सती बोली ना महादेव ना, ऐसे मेरे पिता नहीं है। महादेव जी ने कहा कि देखो सती, जिस सभा में बुलाया ना जाए उस सभा में कदापि नहीं जाना चाहिए, और कभी भी पुत्री को अपने पिता के यहाँ विवाह के पश्चात, कि यदि पुत्री का विवाह हो जाए तो विवाह के पश्चात पुत्री को कभी भी अपने पिता के घर बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती आप मेरी बात मानो, हम वहां नहीं जाएंगे। किंतु सती स्त्री हट सबसे बड़ी हट मानी जाती है, कि यदि स्त्री अपनी हट पर आ जाए, अपनी जिद पर आ जाए, तो वो क्या ना करवा ले। तो आज माता सती ने भी हट की, जिद की,
कि मैं तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊंगी। और कहा जाता है कि स्त्री हट के आगे तो महादेव भी हार गए, तो संसारिक मनुष्यों की तो बात ही क्या, क्योंकि स्त्री जो जगत जननी है, स्त्री को जग जननी का रूप दिया जाता है, माना जाता है। इसीलिए यदि घर की स्त्री सूझवान है, समझदार है, तो वो चाहे, यदि स्त्री चाहे तो स्त्री के अंदर इतना बल होता है कि यदि वो चाहे तो एक ईंट से बहुत बड़ा महल तैयार करके रख दे। और यदि वही स्त्री बिगड़ जाए, क्रोध में आ जाए, तो इतने बड़े महल को एक सुई की नोक से गिराकर राख भी कर दे। इतनी क्षमता स्त्री के अंदर होती है। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों को अपने जीवन में हट करनी चाहिए, किंतु सत्य बात के लिए, अच्छी बात के लिए, गुणों के लिए, अवगुणों के लिए नहीं। और जिस घर में स्त्री ऐसी आ जाए कि जिसके अंदर गुण हो और अपने घर भार को बड़े प्रेम से संजो कर रखे, समझना वो घर, वो गृहस्थ जीवन सफल हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हम यहाँ कथा के लिए आए हैं टेबक परिवार में, जहाँ हमारी बहन कांता दीदी, अनीता दीदी, डॉक्टर महेंद्र कुमार टेबक जी, उनके साथ मिलकर बड़े प्रेम से अपने गृहस्थ जीवन का भी पालन कर रहे हैं। और उधर उनके सुपुत्र भैया जिमी भैया, जो बड़े प्रेम से आदर के साथ अपने माता पिता का सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जहां पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, समझना वो घर हमेशा स्वर्ग के समान माना जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि जहां पुत्र वधु आज्ञाकारी आ जाए और अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान माने, तो वो घर तो साक्षात बैकुंठ होता है। और मैं कहता हूं कि इनका घर भी बैकुंठ से कम नहीं, क्योंकि इनकी पुत्र वधु जिनका नाम रुचि है, उनके अंदर भी सबके प्रति बहुत प्रेम है, सबके प्रति बहुत आदर है। और जहां ऐसा आदर हो तो वहां क्यों ना भगवान भी स्वयं चल कर आए। इसलिए प्रेम से कह दो राधे राधे। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ यही है कि एक दूसरे की मर्यादा को समझते हुए, एक दूसरे के मान सम्मान को जानते हुए, और स्त्री का ये धर्म है, स्त्री का ये कर्म है कि वो अपने परिवार को जोड़कर चले, प्रेम के साथ अपने आंचल में संजो कर चले, यही स्त्री का कर्तव्य है। किंतु आज माता सती ने अवगुण से बड़ी भरी हट की और कहा कि ना महादेव, यदि तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, किंतु मैं तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। उधर महादेव शांत हैं, मौन हैं, और देखते ही देखते माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। और जैसे ही सती यज्ञ में पहुंची तो सती को देखकर राजा दक्ष को क्रोध आ गया और वो बोला कि सती, पुत्री सती, एक बात बता, तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। जैसे ही पिता के शब्द पुत्री के कानों में पड़े, सती आश्चर्यचकित हो गई। वो बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? यदि आपने नहीं भी बुलाया तो मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, मैं स्वयं आ गई। अभी सती मुस्कुरा रही है, किंतु राजा दक्ष फिर बोले कि स्वयं क्यों आ गई? जब मैंने नहीं बुलाया तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा सुन, अब आ गई है तो एक बात मेरी मान ले, यदि तेरे साथ वो तेरा पति महादेव शमशानवासी गले में सर्प माला धारण किए हुए, यदि वो भी आया है तो उसे द्वार पर ही रखना, वो मेरे महल में प्रवेश ना कर पाए। ऐसा सुनकर सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इतना अपमान राजा दक्ष ने महादेव का किया। सती बोली कि पिताजी, मैं आपके यहाँ बिन बुलाए आ गई हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा कोई मान सम्मान नहीं, वो मेरे पति हैं, महादेव हैं, और यदि आप इस प्रकार उनका अपमान करोगे तो आपको भी शोभा नहीं देता और मेरे लिए भी ये असहनीय है। किंतु राजा दक्ष अपने अहंकार में, अपने क्रोध में
बार बार महादेव को बुरा भला कहते हैं, जिसे सुनकर सती को शोक हो रहा है कि मेरे पति ने मुझे रोका था, महादेव ने मुझे रोका था कि जिस सभा में बुलाया ना जाए, वहां नहीं जाना चाहिए, किंतु आज मैंने महादेव की बात नहीं मानी, मैंने पाप किया है। अब सती, जिसके नेत्रों से आंसू आने लगे, वो बार बार अपने पिता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि पिताजी, आपको जो कहना है मुझे कहिए, किंतु मेरे पति को कुछ ना कहिए। किंतु राजा दक्ष नहीं माने, बार बार महादेव का अपमान किया, और जब बार बार महादेव का अपमान सती ने अपने पिता के द्वारा सहन किया, तो आज सती को अपने ऊपर स्वयं क्रोध आया, अपने निंदित कार्य पर सती को स्वयं लज्जा आई, और उसी समय वहीं राजा दक्ष की यज्ञशाला में सती ने महादेव को याद करते हुए और अपनी इस लज्जित क्रियाकलाप, इस लज्जित कार्य को देखकर सती ने अपने योग से उसी यज्ञशाला में योग अग्नि को प्रज्वलित किया, प्रकट किया, और देखते ही देखते सती ने अपने आप को उस योग अग्नि में भस्म कर दिया। क्योंकि स्त्री के लिए कहा जाता है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। क्योंकि किस प्रकार सावित्री सत्यवान के प्राण वापस ले आई, किस प्रकार अन्य सतियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में दिया जाता है कि आज माता सती ने जैसे ही अपना शरीर योग अग्नि में भस्म किया, और जैसे ही माता सती का शरीर भस्म हुआ, उधर समस्त पृथ्वी कांपने लगी, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, जलाशय छलकने लगे, और समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि इधर उधर दौड़ने लगे कि ये क्या अनर्थ हो गया। जैसे ही महादेव को पता चला कि सती ने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया है, महादेव जी को क्रोध आया, और जैसे ही महादेव ने इस समाचार को सुनते ही अपने दोनों हाथों से अपनी जटाओं को पकड़ा, तो पृथ्वी भी कांपने लगी। अंदर महादेव ने क्रोध से भरकर अपनी एक जटा को उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र नामक भगवान के पार्षद उत्पन्न हुए, और उन्होंने देखते ही देखते राजा दक्ष की यज्ञशाला का विध्वंस कर डाला, और राजा दक्ष का शीश काटने के लिए भगवान के पार्षद वीरभद्र आगे बढ़े, तो समस्त देवताओं ने वीरभद्र के आगे क्षमा मांगी और कहा कि हम स्वयं महादेव के क्रोध को शांत करेंगे, किंतु महादेव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हो रहा, चारों ओर प्रलय आ रही है, और उस समय क्योंकि राजा दक्ष को मृत्यु दंड मिलता, तो आने वाले युगों में कभी भी किसी यज्ञ का कोई भी फल नहीं मिलता, तो इसलिए समस्त देवी देवता कैलाश पर गए और भगवान को क्रोधित देखकर उनकी स्तुति करने लगे, और कहते हैं कि महादेव जो भोले भंडारी हैं, और भोले भंडारी प्रेम से भोलेपन से रीत जाते, समस्त देवी देवता पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, आप सभी दोनों हाथ में ताली बजाते हुए
स्तुति कर रहे हैं, किंतु आज के अंदर इतना क्रोध है कि उन्होंने राजा दक्ष का शीश काट कर राजा दक्ष के शीश को काट कर अग्नि में भर भर दिया और ओम नमः शिवाय के लिए महादेव के नाम किया। राजा दक्ष के शीश से देना और उधर देवता जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कामना हो,
कोई भी मनोकामना हो तो रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 बजे एक ही घर में, एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठकर रात्रि 12 बजे 29 बार रुद्राष्टक का पाठ 40 दिन तक लगातार कीजिए। और जिसने ऐसा कर लिया तो ये हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी गारंटी है कि 40 दिन भी पूरे नहीं होंगे, यहाँ तक कि 29वें दिन तक पहुंचोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाए। इतना इसमें योग है, तपस्या है, तो इसलिए आओ और आप भी महादेव से प्रार्थना करते हुए ओम नमः जिन्होंने राजा दक्ष के शीश को काट कर भी अग्नि में भस्म कर कर कहा, प्रसन्न होकर महादेव ने आदेश दिया अपने पार्षदों को कि जाओ और राजा दक्ष को जीवित करो। किंतु भगवान के पार्षद बोले कि हमने तो राजा दक्ष के शीश को भस्म कर दिया। तो महादेव बोले कोई बात नहीं, जैसे पृथ्वी लोक पर वन में जाओगे और जो भी पहला प्राणी चाहे जंतु हो चाहे मनुष्य हो जो भी मिले उसका शीश काट कर राजा दक्ष के धड़ के साथ जोड़ देना। तो उधर वन के पार्षद वन में आए और एक बकरे को देखा और बकरे का शीश काट कर भगवान के पार्षदों ने जैसे ही राजा दक्ष के धड़ के साथ बकरे का शीश लगाया और उसमें प्राण फूके तो राजा दक्ष भी जीवित हो गया, प्राण आ गए और अब उनके अंदर महादेव के प्रति द्वेष नहीं बल्कि महादेव के प्रति भक्ति आ गई और वो भी आनंद के साथ जाने लगा। बम बोला बोला Shiva, Hari Om Namah Shivaya.
चार राजा परीक्षित को सत्य प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं कि राजा जिस समय माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म किया तो महादेव स्वयं माता सती को अपने दोनों भुजाओं में भरकर चारों दिशाओं में वायु मार्ग में विचरे और जहां जहां सती के अंग विरे वहां वहां हमारी जितनी भी पूजनीय देवी हैं नौ देवी उनके अतिरिक्त सिद्ध पीठ जितने भी हैं जैसे कामाख्या जी और अन्य सिद्ध पीठ जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां सिद्ध पीठ की स्थापना हुई और जो मनुष्य उन सिद्ध पीठों पर जाकर दर्शन करते हैं उन्हें भी महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किंतु महादेव ने माता सती को खो दिया। ठीक उसी प्रकार जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला तो उन्होंने भी वन में सुखदेव जी का संग किया, किंतु राजा परीक्षित के घर वाले समस्त प्रजावासी जो चिंतित हैं कि राजा परीक्षित कहां गए। इस प्रकार देवताओं ने स्वयं महादेव ने भी सती को अपने सामने होते हुए देखा। तो ये हमारा मनुष्य जीवन जिसमें दिन रात सुख भी है दुख भी है, किंतु मनुष्य को सुखों को दुखों को सहते हुए भी इस जीवन को जीना पड़ता है। क्योंकि जब तक श्वास है जब तक तो जीना है, क्योंकि श्वासें स्वयं भगवान की कृपा से मिली है और जब तक ये श्वास मिली है हमें इस मनुष्य जीवन का पालन भी करना पड़ेगा। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है यदि उस घर में उनके पितर पितृ कहा जाता है कि जो पितृ हैं वो हमारे बड़े हैं, लेकिन आजकल हमने बहुत जगह देखा, बुरा नहीं मानना, आजकल मंदिरों में ब्राह्मणों ने ये खेल बना लिया कि यदि आप उनसे कुछ पूछने जाओ तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है। मगर मैं पूछता हूं कि पितृ कौन है? पितृ तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे बड़े। वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा एक ओर शरीर छोड़ती है और दूसरी ओर जन्म लेती है, आत्मा तो केवल चोला बदलती है। तो जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा और उनकी आत्मा ने भी चोला बदला, तो वैसे तो ये भी कहा जाता है। और दूसरी बात कि जो हमारे घर के पितृ बनते हैं जो हमारे घर के बड़े जिन्हें हम पितृ मानते हैं जिन्हें जिनका आदर सत्कार हम करते हैं, तो क्या कभी भी हमारे घर का कोई बड़ा पूर्वज हमें दुख देगा हमें कष्ट देगा? ना। अरे घर के बड़े तो जीते जी भी कभी अपने छोटों का बुरा नहीं सोचते, तो मरने के बाद क्या सोचेंगे? इसलिए इस मिथ्या को अपने दिल से निकाल दो कि पितृ दोष भी कोई दोष होता है। पितृ दोष कोई दोष नहीं होता, बल्कि ये तो आपको याद दिलाने के लिए कि जो आपके पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके प्रति आपको आदर भाव रखना चाहिए, समय समय पर उनके नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। और बाकी तो घर के जितने भी बड़े पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद ही देते हैं। और जब घर के बड़े आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में कभी दोष नहीं लगता। ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े ज्योतिषों ने भी साबित किया है कि पितृ दोष कोई दोष नहीं। बस ये तो साक्षात शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव होता है आपको याद दिलाने के लिए कि आप अपने कर्तव्य को भूलो मत।
आप इस गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो, आपको ये कोठी बंगला घर गाड़ी धन दौलत जो आपके बड़ों से मिली उनके प्रति भी आपका कुछ धर्म बनता है। इसलिए जब पितृ पक्ष आता है चरादों में तो हम अपने बड़ों के नाम का भोजन ब्राह्मण को करवाते हैं, तो भी वो पितृ हमें आशीर्वाद ही देते हैं, किंतु जीवन में जो एक बार चला जाए वो लौट कर नहीं आता। इसलिए याद रखो कि एक दिन सबको जाना है, इसलिए जाने से पहले ऐसे कर्म करके जाओ कि तुम्हें ये संसार याद करे, कि जो तू आया जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जय हो। इसलिए जाने वाले तो जाएंगे किंतु उनकी यादें हमारे दिल में रह जाती हैं। और आज हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस कथा के माध्यम से हम अपने बड़ों को अपने पितरों को जो हमारे मध्य आज नहीं हैं उन्हें भी याद करते हुए, क्योंकि वास्तव में जब कोई अपना जाता है तो दिल को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये ऐसा संबंध है प्रेम का संबंध। कहते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो स्वयं भगवान श्री राम भी रोए, जिस समय दशरथ जी की मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान श्री राम के नेत्रों में भी आंसू आए, जिस समय कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी गृह में बंदी बनाया ये समाचार सुनकर कृष्ण के नेत्रों में भी आंसू आए, तो स्वयं भगवान भी अपने प्रेमी जनों से प्रेम करते हुए उनके कष्ट को देखकर उनके नेत्रों में भी आंसू आ जाते हैं। तो हम संसारिक मनुष्यों की तो बात ही किया, तो हम जो हमारे मध्य हमारे बड़े नहीं हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करते हुए कि परमात्मा उनके ऊपर भी ऐसी कृपा बनाना कि वो भी प्रसन्न रहें और हमें भी आशीर्वाद दें, किंतु ये यादें जो दिल से कभी नहीं जाती। तो आइए कुछ देर जो जाने वाले चले जाते हैं जिनका मुड़कर फिर कभी कोई नाम निशान या कोई संदेश नहीं आता। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, thank you.
उस वक्त कहां थे हम जहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। जब भी न कोई संदे जाने वो कौन थे जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन थे जहां तुम चले गए, तुम्हें कर ना सके सलाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा जाना, ये रास्ते हर गलियां तुम्हें कर ना सके चुभते हैं ना दर्द ठहरता है
और ऐसी कामना परमात्मा से करते हैं, भगवान से करते हैं कि हे भगवान, वो जहां भी रहे सुखी रहे और हमारे ऊपर भी अपनी दृष्टि अपनी कृपा बनाए रखे। सुखदेव जी महाराज जो जन और मृत्यु दोनों से परिचित करवाते हैं राजा परीक्षित को, वही सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर वृतांत राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन देखो, हर मनुष्य को परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, किंतु हम कभी कभी परमात्मा से, भगवान से, क्योंकि हम प्रेम करते हैं और प्रेमी अपने भगवान से कभी ना कभी परीक्षा भी लेने लग जाता है। एक बार एक भक्त जो भगवान से बहुत प्रेम करता है, जो दिन रात भगवान के नाम का सुमिरन करता है, वो एक दिन बोला कि भगवान मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, किंतु तू भी मुझे प्रेम करता है या नहीं, मुझे इस बात का पता कैसे चले। तो भगवान ने उत्तर दिया कि देख, जितना प्रेम तू मुझे करता है उतना प्रेम मैं भी तुझे करता हूं, किंतु आज भक्त बोला कि यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो अपने प्रेम का प्रमाण दो। भगवान बोले प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कि मैं प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं और इसका यही प्रमाण है ये देख, जब जब किसी दुखी को देखकर तेरा मन दुखी हो जाए, किसी रोते हुए को देखकर तेरा मन भी रोने लग जाए, तो समझना ये मैं तुझे प्रेम करता हूँ, ये मेरे प्रेम का लक्षण है। जब जब तेरा मन किसी की खुशियों में नाचने लगे, आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, तो समझना ये भी मेरे प्रेम का लक्षण है, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। अब भक्त बोला कि ठीक है, तुम मुझे प्रेम करते हो मैं मानता हूं, मगर ऐसा तो मेरे साथ होता है कि मैं किसी के दुख को देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं, सुखों को देखता हूं तो आनंदित हो जाता हूं, और आपकी कृपा से यदि किसी भूखे को देखूं तो मैं अपनी रोटी भी उसे दे देता हूं। भगवान बोले और तुझे क्या चाहिए, किंतु आज भगवान से भक्त कहता है कि मुझे तुम्हारे होने का प्रमाण चाहिए। भगवान बोले मैं दिन रात तेरे अंग संग रहता हूँ, ये कथा सबने सुनी है, किंतु हम बार बार इसलिए सुनाते हैं कि आपका विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ हो।